शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। नमस्ते, मैं हूँ स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं कृषि नक्षत्र, जिसमें आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी, क्यों इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, क्यों माघ की इस पंचमी को इतना महत्व दिया जाता है, क्यों इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। करते हम सब हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या ज्योतिषीय महत्व है और क्या आपको ये सब चीज़ें करने से लाभ होने वाला है। अगर नहीं जानते तो आज के हमारे इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम अपने इस कार्यक्रम में पंडित अमित पांडे जी के माध्यम से आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी, धन्यवाद आपका। जी, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या एक अलग परिभाषा ज्योतिष के माध्यम से हो सकती है बसंत पंचमी की, जिसे वागेश्वरी पंचमी भी कहा जाता है, ज्ञान पंचमी भी इसे कहा जाता है। पंडित जी, ज्योतिष एक क्या अलग परिभाषा बताता है बसंत पंचमी की? जी देखिए, आपने जो ये सवाल किया कि बसंत पंचमी को क्या ज्योतिष समझता है, क्या ज्योतिष इस पर अपनी राय रखता है, तो इसके विषय में ज्योतिष से नहीं, लेकिन हाँ, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जो परमपिता भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जिह्वा के अग्रभाग से जो है माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, माता सरस्वती का प्राकट हुआ था, वाक शक्ति का जन्म हुआ था, वागवादिनी वीणावादिनी का जन्म हुआ था। इसलिए इस बसंत पंचमी को माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, माता सरस्वती के पूजन के रूप में, ज्ञान की उपासना के रूप में, अपनी वाणी की सिद्धि के लिए। अर्थात जो साधक अपनी वाक सिद्धि चाहते हैं, अपनी वाणी की सिद्धि चाहते हैं कि वो जो भी कहें वो सच कहें, वो ठीक रहे और कभी उनकी बात मिथ्या ना जाए, ऐसे तमाम लोग जो है पंचमी के दिन, इस जो माघ शुक्ल की पंचमी है अर्थात बसंत पंचमी के दिन, माता सरस्वती की, ज्ञान की देवी की, वाणी की विशेष रूप से उपासना पूजा करते हैं और उन्हें यथाशक्ति लाभ भी प्राप्त होता है। पांचवी तिथि मतलब माघ का पांचवा दिन, पंचमी तिथि को ही क्यों बसंत को हम उत्सव की तरह मनाते हैं, षष्ठी क्यों नहीं, उसके लिए सप्तमी क्यों नहीं, पंचमी को ही क्यों चुना गया है? ऐसे तो स्पष्ट नहीं हो पाता है कि पंचमी तिथि का हम चयन क्यों किए हैं सरस्वती पूजा के लिए, लेकिन जब हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं और ज्योतिष शास्त्र में जब हम होरा चक्र का अध्ययन करते हैं, किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो जैसा कि आप जानती हैं कि हर जन्म कुंडली में 12 जो है भाव होते हैं जी। और हर भाव का एक अलग अलग मतलब होता है, एक अलग अलग स्थान होता है जीवन के विभिन्न तरह के दिशाओं का निर्देश करने के लिए, ठीक है। अब उसी में एक पंचम भाव होता है, पंचम अर्थात जन्म कुंडली का पांचवा स्थान। तो जन्म कुंडली का जो पांचवा स्थान होता है वह शिक्षा का स्थान होता है, वह ज्ञान का स्थान होता है, वह संतान का स्थान होता है, वह अपने प्रारब्ध का स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं पंचम शिक्षा का स्थान होने के कारण पंचमी तिथि का चयन किया गया है ज्ञान के लिए, सरस्वती की पूजा के लिए, वाणी की सिद्धि के लिए, और अपने आप को इस संसार में किस तरह से सामने वाले के सामने संप्रेषित करना है, इन तमाम चीजों के लिए खुद को तैयार करने के लिए पंचमी तिथि का ही चयन किया गया है। उस दिन व्यक्ति विशेष रूप से माता सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी पूजा अर्चना करें, उनके मंत्रों का जप करें और सबसे बड़ी बात, शांत रह करके अपनी अंतरात्मा को देखें और अंतरात्मा की आवाज़ सुने और माता सरस्वती की आराधना करें जी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि बसंत पंचमी मतलब बसंत का उत्सव मनाने के लिए हमने पंचमी तिथि को ही क्यों चुना, क्यों पंचमी तिथि पर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, ये भी पंडित जी ने आपको बताया। शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे कि पंचमी तिथि को बसंत की को क्यों चुना गया माँ सरस्वती की पूजा के लिए, लेकिन माँ सरस्वती की पूजा इस दिन की जाती है। क्या आप जानते हैं कि माँ सरस्वती प्रकट कैसे हुई, क्योंकि उस आज ही के दिन उनका जन्मदिवस भी मनाया जाता है। पंडित जी, माँ सरस्वती के जन्मदिवस के रूप में भी बसंत पंचमी को मनाया जाता है, कैसे प्राकट्य हुआ माँ सरस्वती का? देखिए, इसमें पुराण दो मत कहते हैं जी। एक तो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के जिह्वा के अग्रभाग से माता वीणावादिनी वाग देवी उत्पन्न हुई जी। लेकिन दूसरा एक मत कहता है सरस्वती के विषय में, जो कि मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत में वर्णन है, सुम्भ निशुम्भ नाम के दो राक्षस थे जिन्होंने पूरे सृष्टि को प्रताड़ित कर रखा था अपने अत्याचार से। उनके वध हेतु माता पार्वती या माता सती, जो भी आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा है, उन्हीं की सापेक्ष एक शक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था सरस्वती, जिन्होंने सुम्भ निशुम्भ का वध किया था। अब इसको विशेष रूप से समझने के लिए एक ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, श्री दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती में तीन चरित्र हैं, जो विद्वान दर्शक दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र आदि में करते हैं या
करवाते हैं वो जानते हैं कि दुर्गा सप्तमी में तीन चरित्र हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तर। जब हम उत्तर चरित्र का पाठ करते हैं तो उसमें हम महा सरस्वती के लिए ही पाठ करते हैं। तो जैसे उसमें ध्यान है, घंटासुलहला निशंख मुसले चक्रं धनु सायकं हस्तार्जय ददतिम घनांत विलसा शीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगदाम आधारभूता महाम पूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे, पूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादि दैत्यार्दिनिम। कि मेरा मन उस सरस्वती की आराधना करे जो माता सरस्वती शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों का नाश करने वाली। तो ये मार्कंडे जी ने अपने पुराण मार्कंडे पुराण में इसका वर्णन किया है सरस्वती जी के प्राकट्य का, जो कि दुर्गा की ही शक्ति है जी। तो दुर्गा से ही उत्पन्न हुई है, आदिशक्ति पराम्बा भगवती से उत्पन्न हुई है सरस्वती है, जिन्होंने जो है शुंभ और निशुंभ का वध किया जी। और उस में माता सरस्वती के बीज मंत्र का भी वर्णन है जो कि जपनीय है, जिसको जप करके व्यक्ति वाणी की शक्ति प्राप्त कर सकता है और अपने बात को सिद्ध कर सकता है। कभी किसी भी परिस्थिति में वह हार नहीं सकता, किसी भी वाद विवाद में, किसी भी प्रतियोगिता में सदैव उसकी विजय होती है यदि सरस्वती के बीज मंत्र, जो कि उसी मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी ने लिखा है, वो बीज मंत्र भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। वो बीज मंत्र है ऐंग। ऐंग जो है वह सरस्वती का बीज मंत्र है और इसी बीज मंत्र के साथ ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए। आपने कहा माँ सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहा जाता है, उससे जुड़ा एक सवाल भी आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि माँ सरस्वती को वीणा वादिनी कहा जाता है, संगीत का प्राकट्य, संगीत की उत्पत्ति माँ सरस्वती से कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के व्रत का विधान क्या होता है, इस बार बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सब कुछ बताएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बसंत पंचमी विशेष कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं बसंत पंचमी का महत्व। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं लेकिन नहीं जानते कि उनके पीछे का महत्व क्या है, उन्हें करने से हमें लाभ क्या होगा। बसंत पंचमी से जुड़े भी ऐसे तमाम सवाल हैं, आप करते हैं उनको, कई ऐसे नियम हैं जो आप इस पर्व पर करते हैं लेकिन उनके पीछे के महत्व को आप नहीं जानते, वो महत्व हम आपको बता रहे हैं पंडित अमित पांडे जी के माध्यम से। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको छोड़कर गए थे कि माँ सरस्वती से ही संगीत का संबंध है, उन्हीं से संगीत का जन्म हुआ, क्या महत्व है इसके पीछे का, कैसे संगीत की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक उत्तर में बताया था कि माँ को वीणा वादिनी भी कहा जाता है, तभी मुझे याद आया कि माँ से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। संगीत की उत्पत्ति कैसे पृथ्वी पर हुई? देखिए, संगीत का जो जन्म है ये तो सभी हमारे दर्शक भी जानते हैं, संगीत का जन्म जो है वो माता सरस्वती से ही हुआ है, लेकिन सबसे पहले संगीत का जन्म जो है इस प्रकृति से हुआ है और प्रकृति की जो देवी है वो माता सरस्वती ही है और प्रकृति के रूप में उनकी उपासना भी की जाती है। और चूंकि अगर आप सरस्वती के स्वरूप का ध्यान करें तो उनके हाथ में पुस्तक है, माला है और दो हाथों में वीणा है, तो पुस्तक भी ज्ञान का प्रतीक है, वीणा संगीत का प्रतीक है और माला जो है व्यक्ति को अनुशासित रखने का प्रतीक है, अपने काम को नियम से अनुशासित ढंग से करने का प्रतीक है। अब जब माता ने वीणा बजाए तो वीणा से ही समस्त प्रकार के लय, छंद, रस सब चीजों का निर्माण हुआ, सब चीजें इस संसार में माता सरस्वती के वीणा वादन के पश्चात ही आई हुआ जी। आपने कहा कि माँ सरस्वती को प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के बाद हम देखते भी हैं कि फसलें लहलहाने लगती हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, मनमोहक दृश्य हो जाता है प्रकृति का। मतलब बसंत पंचमी के दिन अगर कहा जाए कि कैसे किसान पूजा कर सकते हैं माँ सरस्वती की, कि उनकी फसलें साल भर उसी तरीके से लहलहाती रहें जैसे बसंत के बाद लहलहाती हैं, पूजा का एक विधान क्या होगा, क्या शुभ मुहूर्त इस बार का होगा बसंत पंचमी पर, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यहाँ पे मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं अपने किसान भाइयों खास करके। देखिए, एक तो बसंत पंचमी माता सरस्वती के लिए समर्पित है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि लगभग लगभग पूरे भारतवर्ष में एक साथ ही मनाया जाता है। लेकिन एक गूढ़ बात बताता हूँ आपसे, देवी भागवत में एक जगह वर्णन है कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी कहा जाता है। अब ये श्री कौन है? श्री माता महालक्ष्मी का ही एक नाम है, एक स्वरूप है श्री।
श्री अर्थात होता है धन की देवी। श्री अर्थात व्यक्ति का चमक, व्यक्तित्व में समृद्धि आना और व्यक्ति का जो है समृद्धिशाली हो जाना, ये सम्यक अर्थ है श्री का। खास करके हमारे किसान भाई जो जिनकी जीविका फसलों पे आधारित है, जिनका पूरा परिवार फसलों के पे ही निर्भर करता है, ऐसे लोग इस पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ माता महालक्ष्मी की भी पूजा करें। माता सरस्वती के पूजन का जो मुहूर्त है वह 1 फरवरी माघ शुक्ल पंचमी को सुबह 7:55 से लेकर के सुबह के 9:15 तक यह कुंभ लग्न का मुहूर्त है। कुंभ लग्न स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न में पूजन करिए और इसी लग्न में माता सरस्वती के साथ साथ माता महालक्ष्मी की श्री के रूप में पूजा करिए। श्री के रूप में उनकी मूर्ति प्रतिमा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, एक आप जो है नारियल ही रख करके उसमें स्थापना करके माता महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। माता सरस्वती का चित्र लगाइए, उनका विधि विधान से उन्हें पीले रंग के सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित करिए, क्योंकि माता को कंदुक पुष्प जो है बहुत प्रिय है। कुंद का जो पुष्प होता है जिसे माता का जब ध्यान किया जाता है माता सरस्वती का, या कुंदेंदु तुसार हार धवला, मतलब माता का जो रंग है वो कुंद के फूल के समान है, श्वेत रंग का है। तो माता को सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित करिए, माता की पूजा करिए, निश्चित रूप से आपका जो यह फसल है इस वर्ष भी लाभ देगा और आगामी भविष्य में भी फसलें आपको सदैव लाभ देती रहेंगी। आपने बताया कि किसान किस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, माँ सरस्वती की पूजा इस दिन होती है, विद्यार्थियों के लिए शुभ मुहूर्त वही रहेगा जिस मुहूर्त में किसान पूजा करेंगे? बिल्कुल, जो भी स्थिर विद्या की प्राप्ति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा ज्ञान सदैव स्थिर रहे, खास करके हमारे ऐसे विद्यार्थी जो कि एक विषय पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, उनके लिए तो यह पारस पत्थर के समान मुहूर्त है। वो इसी मुहूर्त में मतलब सुबह 7:55 से लेकर 9:15 के बीच में जो भी उनकी पठनीय पुस्तक है, जो भी पुस्तक वो अभी पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में ही माता सरस्वती का आवाहन करें, माता से प्रार्थना करें और सबसे सरल ध्यान है या कुंदे सुसहार हर धौला, उन मंत्र को पढ़ें। और नहीं कोई मंत्र आता है तो सिर्फ ऐंग ऐंग शब्द जो माता सरस्वती का बीज मंत्र है, उसी मंत्र का जाप 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे करें तो निश्चित रूप से वो अगले वर्ष या आगामी परीक्षा में देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। एक मैंने बचपन से सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, मेरी मम्मी मेरी दादी वगैरह भी कहती है, प्रथमाक्षर बोला जाता है, कहते हैं कि पंचमी तिथि के दिन अगर जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पहला अक्षर लिखवाया जाता है ताकि वो अच्छा बोलना सीखे, अच्छा पढ़ना सीखे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उस पर रहे। तो प्रथमाक्षर लिखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त होगा इस दिन का, क्या विधि उसका क्या विधान होगा और क्यों ये इसी दिन करवाया जाता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, बसंत पंचमी स्वयं में सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन सिर्फ विद्या अध्ययन के लिए नहीं, जो उपनयन संस्कार करा रहे हैं, विद्यारंभ कराना चाहते हैं या यज्ञोपवी संस्कार जिसका हुआ है, मुंडन जिसका संस्कार होना है, ये तमाम जो 16 संस्कार के अंतर्गत जितने भी संस्कार हैं, ये तमाम संस्कार जो है बसंत पंचमी के दिन बिना किसी समय मुहूर्त के देखे आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसके लिए विशेष किसी तीर्थ में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, आप अपने घर में भी करा सकते हैं और तीर्थ में जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है आपको कि यदि आप अपने बच्चे का मुंडन कराना चाहते हैं, आप उसको विद्यारंभ कराना चाहते हैं, केवल एक चीज़ देख लें कि उसकी लगन कुंडली से जो राशि अष्टम भाव में हो उस राशि का चयन ना करें, उसको लगन के रूप में ना लें। बाकी आप कोई भी स्थिर लग्न, चाहे वृषभ होवे, चाहे कुंभ होवे, चाहे जो है सिंह लग्न होवे, कोई भी स्थिर लग्न का आप चयन करके विद्यारंभ करा सकते हैं, उसका मुंडन संस्कार करा सकते हैं। और जो कोई भी आप अभी कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं वह भी इस बसंत पंचमी के मुहूर्त में आप आरंभ कर सकते हैं, वो सारे कार्य आपके सफल होंगे। तो आपको पंडित जी ने बताया कि क्या महत्व है बसंत पंचमी का, खासकर विद्यार्थियों के लिए पूजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है तिथि। आप कोई भी शुभ काम बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे इस दिन कर सकते हैं। और क्या क्या महत्व होते हैं बसंत पंचमी के, क्यों पीले रंग को इस दिन प्रधानता दी जाती है, कई ऐसे सवाल हैं इनके जवाब शायद आप अब भी नहीं जानते होंगे, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बसंत पंचमी विशेष कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं माँ सरस्वती की पूजा इस दिन क्यों की जाती है, क्यों इस दिन उन तमाम चीजों को किया जाता है जो विद्या से संबंधित हैं, धन से संबंधित है, सफलता से संबंधित है, इस दिन क्यों उन सब चीजों को किया जाता है। एक और विशेष प्रश्न है कि माँ की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा के लिए कहा जाता है कि माँ की पूजा व्यक्तिगत तौर पर करनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर माँ सरस्वती की पूजा नहीं की जाती, क्या इस प्रश्न के पीछे का महत्व है, क्यों ऐसा कहा जाता है, आइए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, मैंने कई जगह सुना है कि माँ सरस्वती की पूजा व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर जैसे हम पंडाल लगा के कहीं भी पूजा करते हैं ऐसे पूजा नहीं की जाती, लेकिन आजकल का जो चलन है उसमें सरस्वती की मूर्तियाँ रखकर भी सार्वजनिक रूप से पूजा की जाती है, क्या सत्यता है इस बात में कि व्यक्तिगत तौर पर ही करनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए? देखिए, अभी तक मैंने कहीं शास्त्र में ऐसा प्रमाण तो नहीं पाया है कि सरस्वती की पूजा व्यक्तिगत करिए या सार्वजनिक करिए या दुर्गा की पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा के विषय में सार्वजनिक से ऐसा सुना है। जी, अब जो आपने सुना है उसके पीछे का भी कारण बता दूं। देखिए, एक संस्कृत का श्लोक है, न चौरहार्यम न भातृभाज्यम, कि एक ऐसी क्या चीज है कि जो चोर आपसे चोरी नहीं कर सकता, जो भाई आपसे बांट नहीं सकता, ठीक है, क्या है, ज्ञान है, विद्या है, बाकी समस्त प्रकार की संपत्ति, जैसे लक्ष्मी की जो चीजें हैं, संपत्ति, पैसा, ये भाई आपसे आपका बांट लेगा, बराबर बांट लेगा, चोर आपसे चोरी कर सकता है, आपका लूट सकता है, लेकिन ज्ञान जो आपके अंदर नहीं था, न चोर चोरी कर सकता है, न भाई बांट सकता है, कोई आपसे नहीं ले सकता है जब तक आप स्वयं। यही एक ऐसी चीज भी है जो बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल। अब इस चीज के बारे में, इसीलिए जब कोई हमसे ले नहीं सकता, कोई हम किसी को दे नहीं सकते जब तक हम ना चाहें, तो इसीलिए कहा गया कि भाई आप एकांत में जा करके और एकात्मवादी होकर के इस पूजा को करें, इस साधना को करें, ताकि इसकी शक्तियां आपको स्वयं में पोषित कर सकें, आपके खुद को, ज्ञान मंडल को। तो ये तमाम जो बातें हमारे लौकिक जगत में हैं, जो हम लोकाचार में सुनते हैं, इसके पीछे ने कहीं ना कहीं कारण है, जरूरी नहीं हर चीज़ का प्रमाण उपलब्ध ही हो, क्योंकि तमाम ऐसे शास्त्र जो अभी नष्ट हो गए हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ रही होगी, लेकिन जो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके पीछे जो कारण है वो यही कारण है। जी, यानी बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उस बात में कहीं ना कहीं सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज है कि बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, पीले रंग को विशेष मान्यता इस दिन दी जाती है, वैसे भी हमारे पुण्य संस्कारों में जो भी हमारे शुभ काम होते हैं उनमें हम पीले रंग को बहुत महत्व देते हैं, पीले रंग का बसंत पंचमी से क्या संबंध है, उस दिन क्यों पीले रंग को ही प्रधानता दी जाती है, पीले वस्त्र पहनो, पीला खाओ, पीला टीका लगाओ, उसका क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर मुझसे बेहतर तो हमारे किसान भाई दे देंगे। किसान भाई कैसे दे देंगे, वो रोज यही कर रहे हैं, रोज उन्हें ये दिखाई देता है हर वर्ष बसंत के महीने में, क्योंकि जब श्री सूर्य नारायण मकर संक्रांति के दिन मकर में प्रवेश करते हैं, मतलब उत्तरायण होते हैं, तो सूर्य का ताप बढ़ने लगता है, सूर्य का तेज बढ़ता है, सूर्य की लालिमा बढ़ती है। एक तरफ जहां सूर्य का ताप बढ़ता है, सूर्य का लालपन बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान भाई इस धरती को बिल्कुल हरियाली से युक्त कर देते हैं, चारों तरफ हरा हरा, आकाश में लाल और धरती में हरा, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है, तो बनता है पीला। मतलब वो हम पीला नहीं चढ़ाते, वो प्रकृति ही पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को पीला बना देती है, उसमें हमारा कहाँ योगदान है? तो जो व्यवस्था स्वयं प्रकृति ने खुद में बना रखी है, तो हम तो मात्र उसके पथगामी है, उसका अनुकरण करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि पीले रंग को इस दिन इसलिए भी महत्व दिया जाता है कि हमारे मन के अंदर कहीं भी अगर नकारात्मक कोई प्रभाव है तो उसको पीला रंग नष्ट करता है। देखिए, पीला रंग नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करता हो कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रकृति का ये जो पीला रंग है, ये निश्चित रूप से अवसादग्रस्त व्यक्ति को, बीमार से बीमार व्यक्ति को भी प्रसन्न चित्त करने का सामर्थ्य रखती है। बसंत में वो ताकत है कि बूढ़े व्यक्ति में भी नौजवानी का जोश भर देती है, इसीलिए तो इसे बसंत कहा जाता है। और बसंत पूरे ऋतुओं का यौवन है, जो छह ऋतुएं हैं, तो जो ऋतुओं का जो युवावस्था है, यह बसंत ही कहा जाता है। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति के जीवन के यौवन का वर्णन होता है, तो उसका सीधे सीधे संबंध बसंत से किया जाता है, सीधे सीधे तर्क जो है बसंत। और शायद इसीलिए बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि यौवन काल जो है ऋतुओं का, बसंत है। और तमाम जो हमारे पुराने कवि हुए, चाहे कालिदास रहे हो, चाहे बाणभट्ट रहे हो, सबने जब कभी प्रेम का वर्णन किया है, तो उसमें बसंत को प्रधानता दी है, और बसंत को प्रतीकात्मक रूपता के रूप में प्रयोग अपने काव्य में अवश्य किया है।
पंडित जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब हम छोटे थे तो हमारे दादी दादा सार्वजनिक स्थानों पर बसंत पंचमी के दिन से लकड़ी रखना शुरू करते थे, जिसे होलिका का प्रारंभ उसे कहा जाता था। उस दिन से लकड़ियाँ रखनी शुरू की जाती थी और होलिका दहन वाले दिन सुबह उसकी पूजा की जाती थी होलिका की। उसे रखना जो शुरू करते थे वो बसंत पंचमी के दिन शुरू करते थे, ये इसके पीछे की मान्यता क्या है? अगर ऐसा होता है तो क्यों किया जाता है? देखिए, होलिका दहन जो है वो होली को मनाने के एक दिन पहले की प्रक्रिया है, जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये जो बसंत शब्द है, बसंत पंचमी से आरंभ होकर के होली के दिन तक चलने वाला एक पूरा बसंत उत्सव है। बसंत उत्सव मनाया जाता है और ये आदिकाल से हमारे देश में मनाया गया है, जैसा कि कुछ इतिहास की पुस्तकों में भी वर्णित है। एक मगध में कौमुदी उत्सव मनाया जाता था, इस तरह से दक्षिण के भारत में भी जो है कुछ राज्यों में बसंत उत्सव की एक पूरी जो है त्यौहार के रूप में ये 40-50 दिन जो होते हैं बसंत से लेकर के और वासंतिक नवरात्र के एक दिन पहले तक, मतलब होली तो आती, होली के भी 5-7 दिन आगे तक एक पूरा बसंत उत्सव मनाया जाता है। तो उसी बसंत उत्सव का एक हिस्सा है होलिका दहन। होलिका दहन मतलब बुराई का नाश और अच्छाई की विजय। ये जो पूरी प्रक्रिया है वसंत उत्सव के अंतर्गत आती है और बसंत पंचमी से ही वसंत उत्सव आरंभ होता है। और वसंत उत्सव आरंभ होने के साथ साथ वो एक आरंभ किया जाता है होलिका दहन के लिए, एक लकड़ी या एक मतलब उसका समझिए स्थापन किया जाता है कि भाई अब इस होलिका को जलाना है और बुराई का अंत करना है। उसके पहले का एक उत्सव की ये तैयारी है और इसी रूप में इस भारतवर्ष में एक परंपरा चली आ रही है और लोग मना रहे हैं। तो पंडित जी ने आपको बताया बसंत पंचमी का क्या महत्व होता है, क्यों इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, होलिका से जुड़ी बातें भी पंडित जी ने आपको बताई, पीले रंग का विधान क्यों होता है इस दिन वो भी आपको पंडित जी ने बताया। तमाम महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके उत्तर शायद आप नहीं जानते थे, लेकिन परंपरा है ऐसा सोचकर आप उनको निभाते थे, जिनके उत्तर आज हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऋतुओं का राजा बसंत को कहा जाता है, शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि बसंत के प्रारंभ को हम उत्सव की तरह मनाते हैं और यही वजह होती है कि प्रकोपी रूप छोड़कर पंच तत्व इस दिन मनमोहक रूप में आ जाते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।